जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर चौकी क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 पर एक ढाबे में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने सीज कर दिया है। वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 पर वापस आने के दौरान कुछ मरीज ढाबे के पास खड़े दिखाई दिए, जिसके चलते ढाबे में अंदर जाकर देखा तो एक क्लिनिक चल रहा था। क्लिनिक में डॉक्टर मौके से फरार पाया गया और वहां मौजूद कंपाउंडर ही मरीजों को दर्द की दवाई दे रहे थे। जब क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो वहां उपस्थित लोग कुछ भी नहीं दिखा पाए, जिसको देखते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने अवैध क्लिनिक को तुरंत सीज कर दिया है और संबंधित उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। धर्मपुर चौकी के पास फोर लेन पर एक ढाबे के अंदर क्लिनिक चल रहा था जो पंजीकृत था। हम लोग और प्रशासन की टीम उधर से आ रहे थे तो देखा एक ढाबे के सामने मरीज खड़े हैं और वो अंदर से बंद है। तो हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो हमें वहाँ मरीज दिखे, वहाँ पे कंपाउंडर भी दिखे। उन्होंने बताया कि इसको डॉक्टर गिलानी चलाते हैं जो कि उस मौके पर मौजूद नहीं थे। उनको कागज़ दिखाने के लिए कहा तो कागज़ भी नहीं थे उनके पास, ना रजिस्ट्रेशन के ना डिग्री के, कुछ भी नहीं दिखा पाए और ना ही कोई उम्मीदवारी लेने को वहाँ तैयार। तो प्रशासन की टीम ने उस अपंजीकृत क्लिनिक को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जानकारी दे दी गई।